गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम पिछले लेक्चर को ही कंटिन्यू करेंगे और अब आगे के टैब्स में क्या क्या फंक्शंस हैं, कौन कौन से ग्रुप्स ऐड किए गए हैं, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं पेज लेआउट टैब से। पेज लेआउट टैब जो है उसमें जो ऑप्शंस होते हैं वो मोस्टली या तो एंटायर पेज को या एंटायर डॉक्यूमेंट को अफेक्ट करने वाली जो सारी चीज़ें हैं वो इसमें ग्रुप की जाती हैं। जैसे फर्स्ट सेक्शन हमारा आता है थीम्स का, तो इसमें किस टाइप से हम पूरे डॉक्यूमेंट की थीम को सेट कर सकते हैं वो सारी चीज़ें होती हैं, कि हमें अलग अलग पेज पर जाकर अलग अलग चीज़ें डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है कि हमें कौन से कलर चाहिए, किस हमें हेडिंग के लिए कौन सा कलर चाहिए, हमें नॉर्मल डॉक्यूमेंट जो टेक्स्ट लिख रहे हैं उसके लिए कौन सा कलर चाहिए, कौन सा फॉन्ट चाहिए, क्या इफ़ेक्ट्स चाहिए, वो सारे हम इस पेज लेआउट टैब में इस पर्टिकुलर ग्रुप के माध्यम से कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा पेज सेटअप। पेज सेटअप में हमें हर एक डॉक्यूमेंट, जो हमारा डॉक्यूमेंट है उसमें हर एक पेज में क्या मार्जिन देना है, पेज का ओरिएंटेशन कैसा है, लैंडस्केप रखना है या पोर्ट्रेट रखना है, साइज़ क्या होनी चाहिए, कितने कॉलम्स होने चाहिए, ये सारी चीज़ें हम उसमें सेट कर सकते हैं इन ऑप्शंस की मदद से। फिर आता है हमारा पेज बैकग्राउंड। पेज बैकग्राउंड की मदद से हम अगर हमें हमारे डॉक्यूमेंट में कोई वाटरमार्क सेट करना है, पेज कलर सेट करना है, पेज बॉर्डर सेट करने हैं, तो वो सारे ऑप्शंस हमें यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। फिर आता है हमारा पैराग्राफ वाला पोर्शन, जिसमें हम इंडेंटेशन और स्पेसिंग की मदद से हमें हमारे डॉक्यूमेंट में किस स्टाइल में पैराग्राफ्स लिखे होने चाहिए उसे सेट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा अरेंज का ऑप्शन, कि हमें किस टाइप से पेजेस को आपस में अरेंज करना है वो यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। फिर आता है हमारा रेफरेंसेस टैब। रेफरेंसेस टैब में जनरली अगर हम कोई रिसर्च पेपर लिख रहे हैं या कोई टर्म पेपर लिख रहे हैं तो उन सब चीज़ों से रिलेटेड जो ऑप्शंस हैं उसमें मदद मिलती हैं। जैसे यहाँ पर हम टेबल ऑफ कंटेंट्स का अगर हमें पेज ऐड करना है, उसमें कोई टेक्स्ट ऐड करना है, तो वो सारी चीज़ें हमें या एक ऑटोमेटिकली एक टेबल क्रिएट होकर आ जाती है इंडेक्स के रूप में, उसमें हम जो भी हमारे रिक्वायर्ड फील्ड्स हैं वो ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है फुट नोट्स, कि अगर हमें हमारे जो पेपर लिख रहे हैं उसके अंदर कोई फुट नोट देने हैं तो उन्हें भी हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। फिर साइटेशंस और बिब्लियोग्राफी, के हमें कोई भी रेफरेंसेस देने हैं तो उसका फॉर्मेट कैसा होता है, यह हमें डिफरेंट टाइप्स के ऑप्शंस प्रोवाइड करता है जिसमें सेलेक्ट करके हम अपने डॉक्यूमेंट में सेट कर सकते हैं कि हमें किस टाइप से अपने साइटेशंस या बिब्लियोग्राफी देनी है। नेक्स्ट आता है कैप्शंस, इसकी मदद से भी हम रिसर्च पेपर में डिफरेंट डिफरेंट जो ऑप्शंस हैं उन्हें एक्सप्लोर कर सकते हैं। इंडेक्स जैसे पहले बताया, उस फील्ड की मदद से और इस फील्ड की मदद, इन दोनों में डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं जिनकी मदद से हम हमारी इंडेक्स पेज को फॉर्मेट कर सकते हैं। अगर हमें कुछ टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ इंक्लूड करनी है तो वो इस सेक्शन की मदद से की जा सकती है। फिर नेक्स्ट है हमारा मेलिंग सेक्शन। मेलिंग सेक्शन में जनरली वो ऑप्शन होते हैं कि अगर हमें किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को मास लेवल पे करना है, जैसे हमें कोई एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन है या किसी बच्चे की मार्कशीट है, वो मार्कशीट्स अगर जनरेट करनी है, फॉर्मेट सबका सेम है बस डेटा डिफरेंट है, तो इस काम को हम इस वाली टैब में अवेलेबल डिफरेंट ऑप्शंस की मदद से जल्दी से कर सकते हैं। इसमें हम डिफरेंट टाइप्स के एनवलप्स बना सकते हैं, लेबल्स बना सकते हैं, मेल मर्ज, जिसे हम आगे के लेक्चर्स में और डिटेल में देखेंगे कि किस टाइप से हम मेल मर्ज करते हैं, कैसे हम मास लेवल के रिकॉर्ड्स क्रिएट कर सकते हैं वर्ड की मदद से, राइट एंड इंसर्ट फील्ड्स, प्रीव्यू रिजल्ट्स, कि हमें किस, ये जो जब हम मेल मर्ज करेंगे तो मेल मर्ज में वो ऑप्शन देगा कि पहले हम देख सकें कि किस टाइप से हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो प्रिंट होने के बाद दिखाई देगा, तो उसे हम यहाँ पर देख सकते हैं। फिनिश, जब हम उस
काम को फिनिश कर देते हैं तब हमें किस फॉर्मेट में उसको देखना है, हमें डायरेक्ट उनकी ईमेलिंग करनी है, उन्हें प्रिंट फॉर्म में लेना है, ये सारे ऑप्शंस हमें यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। फिर हमारा आता है रिव्यू टैब। रिव्यू टैब जनरली यूज़ होता है, वह भी रिसर्च पेपर्स के लिए यूज़ होता है कि अगर हमें किसी चीज़ को रिव्यू करना है, मतलब अगर हमें कुछ पेजेस कुछ हमने चेंजेस किए, हमें देखना है कि हमने क्या चेंज किए हैं, उसकी सारी डिटेल्स हमारे पास होनी चाहिए। अगर हमने पहले कोई सेम ही चीज़ के लिए कोई एक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया, बाद में दूसरा डॉक्यूमेंट क्रिएट किया, हमें दोनों को कंपेयर करना है, तो ये सारे ऑप्शन हमें इस रिव्यू टैब में अवेलेबल होते हैं। फर्स्ट है प्रूफिंग, जिसमें हम स्पेलिंग या ग्रामर मिस्टेक्स को देख सकते हैं, वर्ड काउंट देख सकते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट में कितने वर्ड्स हैं। लैंग्वेज, अगर हमें लैंग्वेज को चेंज करना है तो वो सारे ऑप्शंस हमें यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। कोई कमेंट ऐड करना है अगर हमारे पेपर में, हमारे डॉक्यूमेंट में, तो हम यहाँ से कर सकते हैं। उसके साथ ही ट्रैकिंग, कि अगर हमने कोई चेंजेस कर रहे हैं हम, तो उसमें हम ट्रैक कर सकते हैं कि अभी तक हमने कुछ डिलीट किया है या कुछ ऐड किया है। डिफरेंट डिफरेंट कलर कोड्स की मदद से हम उसमें ये सब चीज़ें कर सकते हैं। अगर हमने कोई चेंजेस किए हैं, उसे हमें एक्सेप्ट करने हैं, रिजेक्ट करने हैं, वो इन ग्रुप ऑफ फंक्शंस की मदद से हम कर सकते हैं। कंपेयर कर सकते हैं दो डॉक्यूमेंट को कि वो उनमें आपस में कितना कंटेंट कॉमन है और कितना नहीं है। तो जनरली ये रिव्यू टैब एसोसिएटेड होती है डॉक्यूमेंट्स से जो कि हम दूसरे से शेयर करने वाले हैं या पब्लिकेशन वाली चीज़ों के लिए। फिर आता है हमारा व्यू टैब। व्यू टैब की मदद से हम डिफरेंट डिफरेंट डॉक्यूमेंट व्यूज़ ये प्रोवाइड करता है कि हम किन तरीकों से अपने जो डॉक्यूमेंट है वो किस किस टाइप की चीज़ों पर कैसा दिखाई देगा। अगर हमें वेब लेआउट देखना है, फुल स्क्रीन मोड देखना है, प्रिंट लेआउट देखना है, तो इन सब में हमारी मदद करता है। शो वाले टैब्स में हमें रूलर या ग्रिड लाइंस जो हैं, जैसे ये ऊपर दिखाई दे रही हैं, वो सब चीज़ें हमें व्यू करनी है या उन्हें हटाना है, ये सारे ऑप्शन हमें व्यू टैब की मदद से दिखाई देते हैं। जूम की मदद से हम जो डॉक्यूमेंट है उसे बड़ा या छोटा करके जूम करके देख सकते हैं। हमें उसे स्लाइड की फॉर्म में देखना है अपने पेजेस को या किस तरीके से देखना है, तो सारे व्यूज़ वाले जो ऑप्शंस हैं वो हमारे व्यू टैब में अवेलेबल होते हैं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर्स में इन्हीं सारी टैब्स के जो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस हैं उन्हें वन बाय वन और डिटेल में देखेंगे और कैसे वो फंक्शन करते हैं वो समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।